यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में इस्तेमाल हो चुके तेल, जिसे आप शायद आप फेंकने वाले हैं, उसे किसी और को दे सकते हैं और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? शायद आप में से कई सारे लोग इस बात से कन्विंस ना हो, ना ही इस पर बिलीव करें, पर अब ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में घरों में नमकीन की दुकानों और नमकीन कारखानों में इस्तेमाल हो चुके तेल से अब बायोडीजल बनाया जाएगा, जिसके बाद आपको अपने घर में इस्तेमाल हो चुके तेल को फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या है ये बायोडीजल? अपने घर का यूज्ड तेल देने में आपको क्या फ़ायदा होगा और आखिर इस बायोडीजल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो इंदौर, मैं हूं एसपी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय रसोमा लेबोरेटरीज। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये बायोडीजल होता क्या है। तो बायोडीजल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल या फिर कुकिंग में जो वेस्ट ऑयल बचता है उससे बनाया जा सकता है। ये एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल माना जाता है। शायद आप में से कई सारे लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे कि FSSAI के मानकों के मुताबिक आप तेल की एक बैच का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी नमकीन दुकान पर एक कढ़ाई में तेल की एक बैच निकाली गई है तो उस बैच में सिर्फ 3 बार ही कचौरी को या फिर सेव को तला जा सकता है। इसके बाद उस बैच को रिजेक्ट करना ज़रूरी होता है। अक्सर हम सभी के घरों में भी तेल का लगातार बार बार इस्तेमाल किया जाता है, पर FSSAI के मुताबिक यदि आप तेल के एक ही बैच को दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उस तेल को छानें, उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और उसके बाद आप उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करें। ये ज़रूर इंश्योर करें कि जब आप उस तेल को पैक कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह के खाने का कोई कण नहीं बचा हो। अक्सर लोग तेल की उस बैच का रंग बदल जाने पर या फिर गर्म करने पर उसमें झाग आने के बावजूद भी उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। हम अक्सर यूज्ड तेल को फेंकते नहीं हैं ये सोच के कि वो वेस्ट हो जाएगा, और इसी बात से वाकिफ लोगों ने इंश्योर किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर का यूज्ड तेल भी किसी को दे रहा है तो उसे बदले में कुछ मिलना चाहिए। और इसलिए यदि आप अपने घर के यूज्ड तेल को बायोडीजल बनाने के लिए दे रहे हैं तो उस तेल को आप फ्री में नहीं देंगे, उसके बदले में आपको 30 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब आप अपने घर में इस्तेमाल हो चुके तेल को भी 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच पाएंगे, और इस तेल को बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग खुद आपके घर आकर डोर टू डोर इस तेल को कलेक्ट भी करेंगे। यदि आपके मन में भी सवाल है कि आखिर इस बायोडीजल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो इस यूज्ड ऑयल को इंडियन ऑयल कंपनी खरीदेगी और फिर इसे बायोडीजल में बदल कर इसका इस्तेमाल डीजल में मिलाकर किया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में ये योजना सिर्फ कुछ शहरों में शुरू होगी, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर शामिल हैं। तो यदि अब आपके घरों में यूज्ड तेल बचा है तो आप उसको फेंके नहीं बल्कि उसे बायोडीजल बनाने के लिए दें। इससे जुड़ी और जानकारी जल्द ही जनता के साथ साझा की जाएगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंदौर टॉक को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय रसोमा लेबोरेटरीज। रसोमा लेबोरेटरीज इज अ ट्रस्टेड ब्रांड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, producing high quality and life saving products that customers and patients can easily depend on. So if you're looking for high quality pharmaceutical products that you can easily rely on, then choose Rasoma Laboratories without a second thought. For further details, you can visit www.rasoma.in or can simply call it 255-1210.